हेलो नमस्कार दोस्तों कक्षा ग्यारहवीं में आप सभी का स्वागत है तो देखिए कक्षा ग्यारहवीं का जो सात जून को पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हंड्रेड परसेंट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और एक्चुअली मैं नोट्स में नोट्स में से बता रहा हूं जो कि एक छात्र का नोट्स है और उसमें टिक लगे हुए हैं सभी क्वेश्चन जो कि रिसर्च करके सभी टिक लगाए गए हैं तो यदि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ जाते हो ना तो परीक्षा में टॉप करोगे और कम से कम इस वीडियो में आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो यदि पूरा वीडियो देख लेते हो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हो सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते जाना है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके नोट्स नोट्स में से हम आपको बताएंगे तो ध्यान रखना है सभी क्वेश्चन नोट करना है तो देखिए अध्याय दो से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अध्याय एक हटा दिया गया है तो देखिए यहाँ पर अध्याय दो डला हुआ है तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया मात्रक किसे कहते हैं किसी मात्रक में कौन कौन से गुण होते हैं इस क्वेश्चन को अभी के अभी कंप्लीट करना है और मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप पूरा वीडियो देखकर सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हो आपका पेपर अच्छा जाने वाला है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर तो आने वाले नहीं है ठीक है तो देखिए आंसर भी आप देख सकते हो अदरवाइज अपना अपना आंसर जो आप, आपके नोट्स में दिया गया हो वो भी आप कर सकते हो ठीक है तो एक क्वेश्चन नोट कर लिया चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं ठीक है तो यहां पर अगला क्वेश्चन आता है देख सकते हो आप यहाँ पर दिया हुआ है कि मूल राशियाँ क्या है ऐसा ही पद्धति में कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं तो ये क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आंसर भी दिया गया है चाहो तो आप आंसर भी लिख सकते हो अदरवाइज आप टिक करते जाइए अपना नोट्स निकालिए और उसमें टिक करते जाइए ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे होगे इसका आंसर भी किया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बीमिय समीकरण किसे कहते हैं अनुप्रयोग व सीमाएं लिखिए तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न के बिमीय सूत्र लिखिए जैसे कि क्षेत्रफल का आयतन का घनत्व का तो ये बिमीय सूत्र काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ध्यान रखना है आपको ठीक है तो इसके बाद और भी बिम्य सूत्र दिए गए हैं आप देख पा रहे होंगे तो इन सभी बिम्य सूत्र को अच्छे से कर लेना है ठीक है इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसके बाद मैं आपको बताते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा बीम विधि द्वारा सूत्र स्थापित करना है टी बराबर टू पाई और रूट के अंदर एल अपॉन जी दिया गया है तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है ठीक है और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तो भी आप कम से कम सत्तर अस्सी मार्क्स ला सकते हो आराम से सेवेंटी मार्क्स ला सकते हो आप लोग इस पे, वीडियो को देखकर। कर यहाँ पर दिया गया है विमे सूत्र से ए, आपको बीमे सूत्र जो दिया गया है इसकी सत्यता की जांच करना है तो इसे अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है ठीक है देख पा रहे हो इसका आंसर भी दिया हुआ है गया है आप चाहो तो आंसर भी देख सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बताते हैं जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है यहाँ पर दिया गया है कि विम्य विधि सूत्र से इसको स्थापित करना है तो इसे अच्छे से आपको कर लेना है ठीक है और इसके बाद इसका आंसर आप देखना चाहते हो तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए और ध्यान से सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपका पेपर सात तारीख को होने वाला है टाइम कम बचा हुआ है तो ध्यान से जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको एक बार ज़रूर पढ़ लें ठीक है अब आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर टिक लगा लगाया हुआ था मैंने तो देखिए आ गया क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है तो देखिए एक क्वेश्चन है आप चाहो तो वीडियो को रोक लीजिए थोड़ा और अच्छा स्क्रीन ले लीजिए ठीक है अदरवाइज आप क्वेश्चन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिया हुआ है तो इसको भी देख सकते हो आप इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पर दिया गया है हमारे स्वयं परिवार से निकटतम तारा फोर पॉइंट यानी कि चार दशमलव दो नौ है तो प्रकाश वर्ष की दूरी यहाँ पर आपको बताना हो बताना है तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है अच्छे से कर लेना है आपको ठीक है और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अदरवाइज आप नोट कर लीजिए एक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है ठीक है इसका सॉल्यूशन भी आप देख पा रहे होंगे यदि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है तो आते हैं अध्याय तीन पर अध्याय तीन में से एक आपको ये क्वेश्चन कर लेना है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए जैसे कि विस्थापन चाल और वेग इन सभी के ऐसा ही मात्र भी आपको कर लेना है और इसके बाद मेन क्वेश्चन आता है जो कि आपका है दूरी और विस्थापन में अंतर यार ये क्वेश्चन तो हर परीक्षा में रिपीट होता है चाहे आप कहीं भी एग्जाम देने जाओ हर एक परीक्षाओं में रिपीट होता है दूरी विस्थापन तो इसे अभी के अभी पढ़ लीजिए यानी कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिए पढ़ लीजिए अभी तक आपने जो भी पढ़ लिया अच्छा है बट अब आपको इन सभी प्रश्नों को करना ही पड़ेगा क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ठीक है क्योंकि ये अध्याय में दिए गए हैं तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हंड्रेड परसेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको छोड़ना नहीं है ना नहीं तो बाद में पछताओगे चाल हो बेक में अंतर बताना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिएगा और भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ठीक है ठीके? तो इसके बाद में एक क्वेश्चन आ गया गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध करना है तो एक क्वेश्चन दिया गया है आंसर भी दिया गया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको अच्छे से कर लीजिए चाहो तो स्क्रीन भी आप ले सकते हो इसके बाद में उन्नीसवां क्वेश्चन है यानी कि इस रजिस्टर का जो उन्नीसवां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए तो ए भी एक गति का समीकरण दिया गया है इसको भी अच्छे से आपको करना है ठीक है आंसर भी दिया गया है और यहाँ पर ए आंसर दिया गया है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ए भी गति का समीकरण है तो गति के तीनों समीकरण को यार अच्छे से सिद्ध करके जरूर देख लेना है ठीक है तो ध्यान से गति के तीनों समीकरणों को सिद्ध कर लीजिए ध्यान से अच्छे से करना है अगला क्वेश्चन है टी सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक बताना है तो इसे कंप्लीट कर लीजिए ठीक है इसका आंसर भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिया गया है ठीक है आप चाहो तो अपने नोट्स में से देख लेना है अपना नोट्स निकाल लीजिए अच्छा रहेगा उसी में आप क्वेश्चन को टिक करते जाइए अलग से आपको लिखने नहीं पड़ेंगे टाइम लग जाएगा नहीं तो ठीक है तो आप निकाल लीजिए अपना नोट्स परीक्षा अध्ययन जो भी हो अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए तो सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है ठीक है और अगले वीडियो में मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ विकल्प भी देने वाला हूँ इसी सब्जेक्ट के विकल्प ये क्वेश्चन जिसकी लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा थोड़ी देर बाद ठीक है तो जरूर चेक कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी प्रकार के मैं वीडियो लाता रहूंगा और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवाता रहूंगा अध्याय चार के जो क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट वो देख लीजिए सदस्य सदिश्य परिभाषित करना है ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि सदस्य योग का त्रिभुज नियम आपने पढ़ा होगा तो इसका रिवाइज कर लेना है इस प्रकार चित्र बनाना है आपको सदस्य योग का त्रिभुज नियम ठीक है और इसके बाद सदस्य योग का समांतर चतुर्भुज होता है जो समांतर चतुर्भुज नियम इसको कंप्लीट करना है आपको ठीक है अगला है सदस्य योग का साहचर्य नियम तो इन तीनों नियम को यहाँ से पढ़ना है चार अध्याय में से ठीक है और तीनों को अच्छे से इस प्रकार आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से उसको सिद्ध करके देख लेना है यही आ, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं और इसका तो मैं अभी के अभी गारंटी ले लेता हूँ कि क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको प्रक्षेप गति किसे कहते हैं किसी ऊंचाई से क्षेत्रज मार्ग में फेंके गए पिंड की गति के मार्ग का व्यंजक वित्पन्न करना है इसी अच्छे से कंप्लीट कीजिए ओके चलिए आगे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन देख देखना चाहो तो देख सकते हो अदरवाइज अपना सॉल्यूशन जो आपने पहले किया हो वो वाला अच्छा रहेगा ठीक है अदरवाइज ये दिया गया है यदि आप नए स्टूडेंट हो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपके लिए सॉल्यूशन भी साथ में दिया हुआ है बस आपको ध्यान से देखना है प्रक्षिप्त यहाँ पर दिया गया है देखिए अगला क्वेश्चन है जो पृथ्वी तल से दिशा में किसी कोण पर पिंड की गति का व्यंजक व्युत्पन्न करना है है ठीक तो ये क्वेश्चन दिया गया है है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो आशा करते हैं आप लोग अभी तक देख रहे होंगे और जो देख रहे हैं लास्ट तक वीडियो वो जरूर कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको भी यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट लग रहे थे कि आपने पढ़ लिए है जरूर हमको कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस चीज पर चाहिए वो भी बताएं ठीक है यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है इसको नोट कर लीजिए जल्दी से इसका

और इसके बाद में दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो कि पृथ्वी तल से क्षतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षिप गति के लिए क्षतिज परास की गणना करना, करना है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पूरा सॉल्यूशन के साथ में दिया हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध पूछा जाता है तो इसको अच्छे से कम्प्लीट करना है रेखीय वेग कोणीय वेग ठीक है और इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ कर जाएँ ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ और जो क्वेश्चन बता रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं कम समय है तो आप सभी प्रश्नों को जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि आपका साथ तारीख को जो पेपर होने वाला है तो वो फिजिक्स का ही पेपर है जिसके मैं आपको क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे इनको भी नोट कर लेना न्यूमेरिकल जो कि तो दो अंक में पूछ लिए जाते हैं ठीक है चलिए आगे बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है थीके? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है यदि किसी वस्तु मतलब कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ठीक है चार अंक में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है ठीक है तो मैं क्वेश्चन दिखाता जाता हूँ यदि पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा तो ध्यान रखना है सभी क्वेश्चन देखते जाइए जाइए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसको देख लीजिए जो कि हर बार परीक्षाओं में रिपीट भी होता है तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए इसका सॉल्यूशन देखिए और जल्दी से इसको अभी के अभी वीडियो देखते जाइए सभी को टिक करिए और अभी के अभी सभी को सॉल्व कर लीजिए ठीक है एक प्रक्षेप की अधिकतम मूँचा दिया गया है ए व्यंजन पूछा जाता है काफ़ी तो इसको भी अच्छे से कर लेना है इसका सॉल्यूशन भी आप देख पा रहे होंगे ठीक है अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए ठीक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ठीक है इसके बाद एक न्यूमेरिकल ए दिया गया है ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है तो देख लेते हैं एक्चुअली आपके अध्याय एक से कहाँ तक आने हैं अध्याय दो से आने हैं आपके छः तक ठीक है एक क्वेश्चन दिया गया है इसको भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करना है इसको और सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है ठीक है चलिए आगे अध्याय पाँच की और देख लेते हैं जल्दी से तो अध्याय पाँच में जड़त्व तो किसे कहते हैं जड़त के प्रकार बताना है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है रेल रेलगाड़ी या बस के अचानक चलने वाला ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है ध्यान से ठीक है इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिखाते हैं ये दिया गया है न्यूटन का गति का यहाँ पर दिया गया है विलेय प्रथम नियम दिया गया है विषय क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से देख लेना है आपको ठीक है इसके बाद में संबिक किसे कहते हैं दैनिक जीवन में सब दैनिक जीवन संबंधी उदाहरण बताना था तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके बाद में ये वाला न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उल्लेख करना है तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना है ठीक है सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए इस प्रकार दिया हुआ है ठीक है तो सभी क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको संभिक संरक्षण का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस अध्याय से है, तो इसको ध्यान से कर लेना है संभिक संरक्षण का नियम ठीक है ये दिया गया है सॉल्यूशन संभिक संरक्षण का नियम ठीक है तो ध्यान से सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे वाला क्वेश्चन अब आता है कौन सा है आप एक किसे कहते हैं इसका मात्रा किस इस क्वेश्चन पर नज़र डाल लेना है एक बार ठीक है बट उतना आई नहीं है और एक बात इसके बाद, बाद ए वाला सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है राकेट नोदन राकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए इसके द्वारा का व्यंजक व्यत्पन्न करना है तो ये है काफी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से कम्प्लीट कर लीजिए ओके बाय ठीक है तो इसके बाद में और भी क्वेश्चन बचे हैं क्या देख लेते हैं जैसे ठीक है तो वीडियो को लाइक करना है वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा शेयर जरूर करना है ठीक है अध्याय छः दिया गया है इसमें से थोड़ा बहुत देख लेना है ठीक है ध्यान से पढ़ लेना है आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ठीक है थीके? अभी केंद्रीय बल किसे कहते हैं तो इतने ही क्वेश्चन आपको बताने थे और लास्ट अध्याय बचा हुआ है उसके आपको देख लेना है कुछ ही क्वेश्चन उसमें रह गए थे ठीक है आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा इंपोर्टेंट अभी इसके हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो विकल्प क्वेश्चन होते हैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे देख लेना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कमेंट जरूर करें यदि आपने पूरा वीडियो देखा है थैंक यू